सो हे गाइस, सो पबजी मोबाइल लाइट का चुका है न्यू अपडेट 0.22.0 का ग्लोबली अपडेट आ चुका है पबजी मोबाइल लाइट का न्यू। और मैं आपको बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है, क्या क्या न्यू ऐड करा है, क्या क्या न्यू ऐड नहीं करा, क्या रिमूव करा है, क्या बढ़िया है और क्या बेकार है, सब कुछ देखेंगे आज इस वीडियो में, एंड तक देखना। तो गाइस, डाउनलोड करने के लिए गेम को सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पर लिख देना है पबजी लाइट एपीके और सबसे पहली जो लिंक आ रही है उस पे क्लिक करना है आपको। थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर 0.22.4 का आ चुका है यहाँ पर अपडेट, तो ये सब चेक कर सकते हो आप। यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ चुका है न्यू अपडेट पबजी लाइट का, तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो ये फाइल लिखी है डाउनलोड वाली, इस पर क्लिक करके ये ऐप डाउनलोड करने लाए इनका। उसके बाद आप गाइस आपको ऐप को कर लेना है यहाँ से ओपन और यहाँ पर ये डाउनलोड का आएगा ना, इसको कैंसिल कर देना अगर आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हो ना पबजी लाइट को। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ डाउनलोड होने के बाद क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर आप डाउनलोड कर लोगे और पुराने वाले ऐप को अपने गेम को अनइंस्टॉल कर दोगे और यहाँ पर नए वाले को ओपन करोगे ना तो देखो क्या होता है फिर। तो गाइस आप फिर ऐप को ओपन करोगे गेम को तो यहाँ पर आ जाएगा कि ओबीबी हमारी डाउनलोड ही नहीं हुई है, मतलब कि हमारे जो 700 या 600 एमबी का ये गेम डाउनलोड करा है ना हमने, ये हमारा नेट वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए जब वहाँ पर ऐप को ओपन करो तो वहाँ पर कैंसिल कर देना, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है जो आपकी ओबीबी भी डाउनलोड हो प्रॉपर बढ़िया तरीके से। तो गाइस उस ऐप को ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है पबजी लाइट, और पबजी लाइट सर्च करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका इंस्टॉल का। पहले आप गेम को अनइंस्टॉल कर देना जो आपका पुराना वाला वर्जन है। यहाँ पर आपको आ जाएगा गेम को इंस्टॉल करने का 600 कुछ एमबी का, तो यहाँ से कर लेते हैं हम गाइस फाइनली अब गेम को डाउनलोड। तो गाइस फिर मैंने गेम को करा वहां से डाउनलोड, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो चुका है हमारा गेम स्टार्ट। यहाँ पर अब कोई नहीं आ रहा कि हमारा ओबीबी डाउनलोड नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीबी भी सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। तो जल्दी से कर लेते हैं अपने गेम को यहाँ पर लॉग इन। तो गाइस यहाँ पर गेम तो ओपन हो चुका है, यहाँ पर देखते हैं अपने मैप। ओके गाइस यहाँ पर मैप में देख सकते हो आप जो आपको गेम यहाँ पर टीडीएम ये वाला हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और ये पेलोड मोड भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके गाइस ये सब कुछ तो ये देख सकते हो, मतलब कि जो आपको चाहिए वो डाउनलोड करो और खेलो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कुछ तो वही है। ओके गाइस अब करते हैं हम यहाँ से कट और यहाँ पर डाउनलोड के पे जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर ये सब कुछ चेंज कर दिया, मतलब कि आप यहाँ पर अलग अलग टीडीएम डाउनलोड कर सकते हो और अपना रिसोर्स पैक ये भी डाउनलोड करके खेल सकते हो। और यहाँ पर गाइस यहाँ पर सर्वर चेंज का आया एक ये देख सकते हो आप। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सर्वर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर है यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका। और गाइस जब आप एक बार सर्वर चेंज कर देंगे तो आज फिर गाइस आप 14 दिन के बाद ही दूसरा सर्वर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ भी देख लेना। और सब सेटिंग में तो कुछ चेंज नहीं लग रहा गाइस, देख सकते हो आप यहाँ पर ये सब वही है सेटिंग में तो जो भी पहले था, बस यहाँ पर ये सर्वर चेंज कर ला दिया है जिनको खेलना है, अलग सर्वर भी दे दिया है कि यूरोप साउथ अमेरिका, मतलब कि यूरोप तो था साउथ अमेरिका आ चुका है न्यू। और यहाँ पर ये पैक आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, मतलब कि अब ये आपको जितना चाहिए ना उतने कम एमबी का रख सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा आप जौन सा मैप डाउनलोड करके खेलना चाहते हैं उसको ही खेल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर वेपन पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एसकेएस की न्यू स्किन आ चुकी है, यहाँ पर ये देखो एसकेएस की किल इफेक्ट भी देख सकते हो और यहाँ पर एक बैरल और आई है, अभी बैरल भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये एसकेएस की स्किन देखो, यहाँ पर किल इफेक्ट देखो, ये मस्त लग रही है, मतलब कि एसकेएस बढ़िया लग रही है। गाइस आप कमेंट में बताओ आपको कैसी लग रही है एसकेएस। और गाइस यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस पर और गाइस यहाँ पर मिशन भी आ चुके हैं देख सकते हो आप, मतलब कि पहले नहीं आते थे मिशन, मतलब कि अब काम चलना स्टार्ट हो चुका है पबजी लाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कि अभी बैकपैक की स्किन नहीं दिखा रहे पर मतलब कि मिशन से हम बैकपैक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर चलते हैं अवतार में, गाइस यहाँ पर अपने अवतार देख लेते हैं, यहाँ पर ये फ्रेम जो होते हैं। ओके गाइस यहाँ पर कॉन्करर फ्रेम भी देख सकते हो आप 19 तक कर दिए, और यहाँ पर और देख सकते हो ये भी अवतार हमने
हमने देखे, देखो गाइस यहाँ पर ये अवतार भी मतलब कि कॉन्करर फ्रेम भी ऐड करे हैं इसमें, देख सकते हो ये सब चीज गाइस। और यहाँ पर अब दिखाता हूँ मैं आपको बैरल की स्किन। तो गाइस ये है हमारी बैरल की स्किन जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, किल इफेक्ट भी और ये सब बैरल की स्किन थी और एस के एस की स्किन, दो स्किन आई है। अब चलते हैं जरा मैप के अंदर और मैप में देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप स्पॉन आइलैंड में भी कोई चेंज नहीं हुआ, जहाँ पर हम वेट करते हैं गेम स्टार्ट होने का, तो वो सब तो सेम ही है जैसा पहले था। और गाइस यहाँ पर मैं फोर फिंगर की सेटिंग सेट कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ये न्यू ऐड करा है, मतलब कि ये मेरे को लग रहा है कि जॉम्बी मोड आने वाला है शायद से, क्योंकि जॉम्बी मोड में ही होता है ना ऐसा। तो गाइस मैप के अंदर तो मेरे को कोई चेंज देखने को मिला नहीं, पर मैं यहाँ पर आया था ड्रॉप के लिए। गाइस ड्रॉप में मैं ये देखने आया था कि रिमूव तो नहीं करी आरपीजी, और गाइस यहाँ पर आरपीजी तो पहले ड्रॉप में तो मेरे को कोई आरपीजी देखने को नहीं मिली, शायद रिमूव हो गई हो, पर मेरे को तो नहीं लग रहा कि रिमूव हुई होगी। तो नेक्स्ट ड्रॉप का वेट करते हैं गाइस। तो गाइस फिर मैं नेक्स्ट ड्रॉप पे आता हूँ तो फिर मेरे को देखने के लिए मिल जाती है अपनी आरपीजी, मतलब कि आरपीजी तो अभी तक न्यू अपडेट में रिमूव करी नहीं है, तो आरपीजी तो है अभी गेम में गाइस। और गाइस ये जो स्टेडियम के पास ये हाउस है, इसका गेट मतलब कि फाइनली खुलने लगा है। अब देख सकते हो मैप के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज करा है, मतलब कि ये सही करा है, जो ग्लिच था वो फिक्स हो चुका है। यहाँ पर ये गेट खुल रहा है तो आगे वाला भी गेट खुलना होना चाहिए गाइस। यहाँ पर देख सकते हो ये गेट भी खुल रहा है, बोट ने खोल रखा है हमारे लिए। ओके गाइस यहाँ पर ये सब कुछ तो सही है। तो फिर गाइस मैं कर लेता हूँ टीडीएम को डाउनलोड और देखता हूँ कि इसके अंदर कोई चेंज तो नहीं कराया अपने टीडीएम के अंदर। तो चलते हैं टीडीएम के अंदर। ओके गाइस बहुत देर के बाद हमारा टीडीएम मैच हो जाता है स्टार्ट, और गाइस अब देखते हैं यहाँ पर कुछ चेंज तो हुआ नहीं है टीडीएम के अंदर जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीडीएम के अंदर भी कोई चेंज हुआ नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है, बस आपको डाउनलोड करना है। तो आप डाउनलोड करके खेल सकते, मतलब कि जितना आप साइज कम रखना चाहते हैं गेम का इतना आप साइज कम रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये गन है M24 भी यहाँ पर पड़ी है। तो गाइस मैं फिर नेक्स्ट टीडीएम के अंदर आ जाता हूँ ये देखने के लिए ये यहाँ पर बहुत तकड़ा जो ग्लिच होता है वो फिक्स हुआ है कि नहीं। तो वहाँ पर देख लेते हैं ये फिक्स हुआ है कि नहीं ग्लिच, मेरे को तो नहीं लग रहा है जिस हिसाब से मैं जा रहा हूँ इस दीवार के अंदर। यहाँ पर देखते हैं हमारा ग्लिच होता है कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हो आप गाइस हमारा ग्लिच अब भी हो रहा है, मतलब कि इसमें टीडीएम में अभी तक इन्होंने सही नहीं कराई ये ग्लिच। ये मेरे को बहुत बुरा लगता है ग्लिच जो करके मारते हैं गाइस। तो ओके गाइस यही था सब कुछ जो न्यू अपडेट में आया पबजी मोबाइल लाइट के। तो जहां से मैंने डाउनलोड करने का बताया वहां से आप डाउनलोड कर लेना आपको करना है तो। और यहां पर आप देख सकते हैं यही सब कुछ था जो भी यहां पर गेम में आया है वो सब मैंने दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।